प्रदेश में कोरोना के हालात सामान्य होने के बाद मध्य प्रदेश में अब सियासी सरगर्मी देखने को मिल रही है। सियासी मुलाकातों के बीच अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का भोपाल दौरा एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया सरकार से लेकर संगठन और संघ तीनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात भी करेंगे। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया से खास बातचीत की एसीएन भारत की पॉलिटिकल एडिटर मुक्ता पाठक ने। मेरे साथ ज्योतिराज सिंधिया जी, आइए उनसे बातचीत। सर, आज आपकी विजिट जो थी मच अवेटेड थी, बिकॉज इट्स बीन आफ्टर सो मेनी। नहीं, मैं तो सदैव यहाँ आता हूँ, सदैव भोपाल। आप भी भोपाल की हैं, हम भी भोपाल के हैं, हमारा राज्य है, हमारा प्रदेश है। कोरोना काल में हम सब जूझ रहे थे, अब उस कोरोना के वार पर हम लोग पूर्ण सक्षमता के साथ हम लोग कार्य कर रहे हैं, पर अभी वो लड़ाई अभी भी निरंतर जारी है। सावधान आपको भी रहना है, हमको भी रहना है, और टीकाकरण का पूर्ण अभियान का हम लोगों को जन जन तक संदेश पहुंचाना है। सर, कांग्रेस के ऊपर क्या कहेंगे? तो ये थे ज्योतिराज सिंधिया जी, जिन्होंने कहा कि भोपाल उनका खुद का शहर है, वो आते रहते हैं, आते रहेंगे, और कोरोना जो है उससे सावधानी बरतनी है। उन्होंने राजनीति पे किसी तरह से बातचीत करने को अभी फिलहाल मना कर दिया है। एशियन भारत के लिए भोपाल से कैमरामैन उबेस के साथ मुक्ता पाठक।